तो बोले कि हम देखेंगे इसमें, लिए पेपर सब लिए हुआ। अरे कोई देवी नहीं पकड़ा गया, मामला तो मैनेज हो गया। रे भैया पकड़ा कैसे जाएगा, यहाँ तो इतना मोटा पैसा का खेल चल रहा है पूरा। देखिए प्यार कैसे होता है, वही तो पूछ रहा है, प्यार कैसे होता है मैं जानती हूँ। तेजस्वी यादव जब से सत्ता में आए हैं तब से लगातार फरियादियों से वो मिल रहे हैं, लगातार राबड़ी आवास के बाहर लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। अब अररिया की आरती तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंच गई और तेजस्वी यादव ने उनसे मुलाकात किया। इसके साथ ही साथ उन्हें आश्वासन भी दिया कि जो भी उनकी परेशानी है उसे जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। पहले सुनिए अररिया की आरती तेजस्वी यादव से मिलकर क्या कुछ बोली है। क्या बोले वो? वो तो बोले कि हम देखेंगे इसमें, लिए पेपर सब लिए है ना। तो अब तुम्हें इस सरकार से उम्मीद है कि सरकार से इंसाफ मिल जाएगा? छोटू से दोस्ती आपको कैसे भरी थी? क्या छोटू से प्यार आपको कैसे हुआ था? छोटू से प्यार शुरू से बताइए आप। देखिए प्यार कैसे होता है, वही तो पूछ रहे हैं। प्यार कैसे होता है मैं जानती हूँ। नहीं वही तो पूछ रहे हैं, कैसे हुआ था, नजदीकी कैसे भरी थी? नजदीकी कैसे बढ़ती? एक और क्वेश्चन है आपसे, नहीं रुकिए एक क्वेश्चन और है इनके साथ में, एक जो है एक मिनट, आपके साथ कौन कौन आया अभी आरती? मेरे साथ हम आए मेन, हमको ये जो काम पापा यानी छोटू के पापा है यार, पुष्कर पे फोटो। अच्छा एक बात बताइए, केस का अपडेट क्या है आपका, कहां तक केस पहुंचा आप? आ गए थे, क्या बातें हुई वहां पे? वो बहुत हम्बली, पहले तो वेट करना पड़ता है जो प्रोसेस है, गाड़ी उनकी निकली, हमारी जो टीम थी वो पूरी उनसे समय ली गाड़ी रोक के, उन्होंने कहा बस मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ और आप लोगों से मिलूंगा। ठीक आधे घंटे में वो आए और उनसे मुलाकात भी हुई, वो अंदर बुला के जितनी बातें हमें कहनी थी सारी बातें कह दी उनको। मेन हमें बस सुपरविजन कराइए और प्रॉपर सुपरविजन कराइए। आज 50 दिन हो गए, आरती अगर कल्प्रिट है आरती को भी सजा मिले। हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, हमें छोटू के जो मर्डरर्स हैं, वो मर्डर हुआ है, वो कोई सुसाइड नहीं था छोटू का। देवी अभी नहीं पकड़ा गया। अरे कोई देवी नहीं पकड़ा गया, मामला तो मैनेज हो गया। रे भैया पकड़ा कैसे जाएगा, यहाँ तो इतना मोटा पैसा का खेल चल रहा है पूरा, तो कैसे पकड़ा जाएगा? बड़ा आरोप लगा रही हैं। नहीं नहीं बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं, देखिए मैनेज हुआ है, अगर मैनेज नहीं होता तो 50 दिन बाद में रिपोर्ट नहीं आया है। आप क्या कहते हैं कि मैनेज नहीं हुआ है? तो आपने सुना आरती को, वो लगातार न्याय के लिए इधर उधर भटक रही है। अब तेजस्वी यादव से वो न्याय की गुहार लगाने राबड़ी आवास पहुंच गई। आपको बता दें कि महिला विकास मंच की वीना मानवी से भी आरती ने मुलाकात की, उन्होंने न्याय की मांग की। आपको बता दें कि लगातार आरती को जान से मारने की भी धमकी दिया जा रहा है, इसको लेकर वो तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। तेजस्वी यादव ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी परेशानी है उसका समाधान जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।